महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जुहू बीच पर मेगा बीच क्लीनिंग अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है और आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं कि पूरे देश में उसका परिणाम है, लोग भी काफी जागरूक हुए हैं। जब 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तब विपक्ष ने कई आरोप लगाए, लेकिन आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी शुरू किया, उसमें सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। लोग आए, हमारे राज्यपाल जी आए, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी आए हैं और सब यहाँ के हमारे लोग यहाँ शामिल हुए हैं, क्योंकि जैसे हमारा शहर, रास्ते सब सफाई जब डीप क्लीन ड्राइव के जैसे करते हैं, वैसे ये समुद्र के किनारे जो है आज देखिए जुहू बीच एकदम स्वच्छ है और ऐसा पूरा हमारा महाराष्ट्र को 720 किलोमीटर का ये समुद्र किनारा है, ये कोस्ट लाइन है, ये हमारा सौभाग्य है और इसे हम स्वच्छ रखेंगे। कई देश जो है ये जो टूरिज्म है इस पे चलता है, समुद्र किनारे जो है उसके ऊपर चलते हैं कोस्टल टूरिज्म, तो हमें तो बहुत ही ये वरदान है और इसलिए मुंबई के हमारे जितने भी बीच है उसे मुंबई कॉरपोरेशन के माध्यम से हर रोज सफाई होती है। आज जुहू बीच भी देखिए आप कितनी साफ है और ये हमेशा सिर्फ 15 दिन का ये प्रोग्राम नहीं है, ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोग्राम है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, आज 10 सालों में उसका परिणाम हम देख रहे हैं, पूरे देश में उसका परिणाम है और लोगों में काफी अवेयरनेस आया है। लोग हमारा घर जैसे स्वच्छ रखते हैं वैसे अपना जो परिसर है, जो हमारा शहर है और घर के आजू बाजू में जो इलाका है उसे भी स्वच्छ रखते हैं और वैसे ही हमारा बीच भी स्वच्छ रहना चाहिए। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण के अनुसार और इसलिए ये एमपीसीबी जो है पर्यावरण प्रदूषण महामंडल जो कॉरपोरेशन है उसने भी ये 14 बीच कॉम्बर दिए हुए हैं। ये बीच कॉम्बर ये पूरी तरह ये रेत जो है साफ करता है और लोगों को काफी उसका फायदा होता है, इसलिए उनको भी धन्यवाद। सभी एनजीओ यहाँ पर आए उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। पूरी दुनिया में इस सितंबर माह में एक बीच क्लीनिंग के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलता है। हमारे देश में तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक हमने सेवा और स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का भी कार्यक्रम हाथ में लिया है। हम सब ईश्वर की दी हुई, प्रकृति की दी हुई चीजों का इस्तेमाल तो करना जानते हैं, लेकिन इस्तेमाल करते हुए हम उसकी स्वच्छता के पक्ष को भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में मिशन लाइफ का नारा दिया है। वास्तव में मिशन लाइफ का अर्थ है कि धरती से जो कुछ हम लेते हैं वो स्वच्छ लेते हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में जो कुछ लौटाते हैं वो कचरे के रूप में लौटाते हैं। धरती हमको स्वच्छ वायु देती है लेकिन हम वायु को खराब करते हैं। धरती हमको स्वच्छ पानी देती है लेकिन हम पानी का प्रदूषण करते हैं। धरती हमको इतना सुंदर बीज देती है लेकिन हम अपने कार्यों से, अपनी उपयोगिता से उसको हमेशा खराब करते हैं। और इसलिए मिशन लाइफ में हमने देश के युवाओं को 7 आइडिया देने को कहा है। पहला, सेव एनर्जी। दूसरा, सेव वाटर। तीसरा, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो सॉलिड वेस्ट को कम कर सके। चौथा, सेव जो है ई वेस्ट का डिस्पोजल करना। पांचवा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल। और उसके बाद जो छठा एक और महत्वपूर्ण विषय है, बैन सिंगल यूज प्लास्टिक। और सातवा, सेव फूड ऑल्सो। हम कितना फूड जो है वो वेस्ट करते हैं।